क्योंकि वो अपने बाबा को पढ़ा लिखा मानता है और मैं उसके सामने ऐसा कोई भी उदाहरण, कोई भी दृश्य, ऐसी कोई भी बात लाना नहीं चाहता जिससे उसका पढ़ाई से विश्वास कम हो जाए। बस इतनी सी बात थी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को पता ना चले कि मैं ये काम करता हूं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और जरूरत पड़ने पर कल भी करूंगा। और सेठ जी, मुझे अभी घर जाना होगा। मेरी बहन को कुछ लोगों ने धक्का दिया और वो नीचे गिर गई, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई है। और अगर मैं तुम्हें छुट्टी ना दूं तो मजबूरन मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रिश्ते बचे रहेंगे तो नौकरी बाद में भी कर लूंगा। सेठ जी, राम जी तो बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं तो कहता हूं इसे नौकरी से निकाल दीजिए। जाओ, लौट के आओ तो हिसाब कर लेंगे तुम्हारा। धन्यवाद सेठ जी। राम जी को इतना समय क्यों लग रहा है सेठ जी से छुट्टी लेने में? अभी तक आए क्यों नहीं? चलो चलो बेटा, और वैसे भी हमें पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। चल चल। तबीयत कैसी है? अरे रो क्यों रही हो? बता ना क्या हुआ? वैद्य जी कल रात से इलाज कर रही है, लेकिन 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 क्या? लेकिन वैद्य जी कह रही है अभी कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? वो अब खतरे से बाहर है। हाँ, दो चार घंटे में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन उनके पैरों में जो अंदरूनी चोट लगी है वो कब तक ठीक होगी और वो कब तक चल पाएंगी ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कसरत वसरत करवा कर बुआ को चलवा लेंगे। तो बस एक ही तरीका है, जिन लोगों ने बुआ को धक्का दिया था उन्हें पकड़कर उनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए ताकि बुआ का बदला पूरा हो और वो जल्दी से ठीक हो पाए। समझाइए इस लड़के को, कब से लड़ाई झगड़ा खून यही बातें किए जा रहा है। मैं कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा, लड़ाई झगड़े से अभी तक किसी चीज का अंत हुआ है क्या? पता? बाबा, आप जो कर रहे हैं उससे भी तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। हम जब पहली बार सतारा आए थे उस वक्त हमें जिस तरीके से परेशान किया जाता था। अपनी जात भूलकर हमारे साथ रहने लगे, ये हमारे साथ नहीं रह सकते। ये बात बताना बहुत जरूरी है इनको। आज भी हमें उसी तरीके से परेशान किया जाता है, बल्कि ज्यादा किया जाता है। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। रौंद डालो इसे।
हाँ राम जी, बाला की तरह मुझे भी यही लगता है कि जो तरीका हम लोग अब तक अपनाते आए हैं ना वो बिल्कुल गलत है। अब हमें अपना तरीका बदल देना चाहिए। बदल कर भी कौन सा तरीका अपनाएंगे काका? मारपीट का तरीका, हिंसा का तरीका। राम जी, वो लोग हम लोगों के एक आदमी को मारेंगे ना, हम लोग उनके 10 आदमी को मारेंगे। यदि वो लोग हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे ना, हम की उनकी जान ले लेंगे। और राम जी, ये काम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जात का हर एक आदमी ऐसा ना करने लगे, तभी जाकर कुछ बदलेगा राम जी। वरना ऐसे ही हम लोग परेशान होते रहेंगे और वो लोग हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। इधर पुरंजन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बच्चों को हिंसा विंसा की बातें समझा रहे हो? ठीक तो समझा रहा हूँ, अपनी समस्या का यही एक हल है। ये कौन सा हल है जिसे तुमने सब कुछ खो दिया? तुम्हारी माँ जल गई, तुम्हारी भांजी ने अपनी जिंदगी किसी तरह से शुरू की। उस रात तुम क्रोध में आकर अगर चाय वाले को नहीं मारा होता तो शायद वो लोग तुम्हारे घर को कभी आग नहीं लगाते। हाँ तो ठीक है ना, जितना जलाना था जो जलाना था इन लोगों ने जला दिया। अब मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है जलाने के लिए। अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। अब मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। अब मैं अपने हिसाब से जी सकता हूं और अपने हिसाब से फैसले कर सकता हूं। देख पुरंजन, अगर तू ऐसी हिंसा की बात करेगा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्योंकि मैं जिसे अपना मानता हूं उसे गलत रास्ते पर जाने से हर संभव तरीके से रोकता हूं। हाँ तो ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देख बाला, मैं आपसे असहमत हूँ बाबा। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो। पुरंजन काका भी अपने स्तर पर सही सोचते हैं, उनके विचार भी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। और मैं भी वही सोचता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जब तक जिंदा हूं तब तक कम से कम अपने बच्चों के लिए जो सही होगा वही करूंगा। इसलिए हर बात पर बहस करना छोड़ दो। अब आप मरीज से मिल सकते हैं। मरीज की हालत स्थिर है और उन्हें आप घर भी ले जा सकते हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा किस तरह से धन्यवाद कहूं। बस आप थे इसलिए दीदी। मीरा, कैसी हो? ठीक।
ठीक हूँ, बहुत बहुत तकलीफ दी मैंने। एकदम चुप, चुप हो जाइए। अभी ठीक लग रहा है थोड़ा? पैर में बहुत बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। वैद्य जी ने दवाई दी है ना, और हम सब भी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको धक्का किसने दिया था बुआ? चेहरा नहीं देखा। कुछ नहीं, नहीं अभी कुछ मत सोचिए, आराम कीजिए, पहले ठीक हो जाइए। कोई बात नहीं बुआ, पता चल जाएगा। चलो बेटा, तुम्हारी बुआ को घर लेकर चलते। अच्छा महाराज, महाराज अलर्ट हो गया। महाराज अब क्या हुआ? उस भीमराव की बुआ बच गई महाराज। ऐसे वैद्य ने कहा है, उसे चलने फिरने में काफी समय लगेगा, लेकिन जान तो बच गई ना महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो मर जाती तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, क्योंकि अब उसके मन में डर होगा कि उसे धक्का किसने मार दिया, और ये उसके और उसके समाज के लोगों के लिए ये किसने वाली बात बहुत बड़ी बन जाएगी, और वो बाकी के सारे डरे रहेंगे, क्योंकि अगर उस भीमराव की बुआ की जान लेने की कोशिश की जा सकती है तो बाकियों की जान लेने का भी प्रयास अवश्य किया जा सकता है, और यही तुम सबकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब उसके घर वाले उसे वापस ले जाएंगे तो वह सब पहले से कम बहादुर होंगे, क्योंकि पहली बार उनके दिल में डर होगा। आराम से, पीछे पीछे रख, पीछे दीदी, आराम से। हाँ आराम से। आइंदा से घर के सारे लोग सतर्क रहे, क्योंकि वो लोग एक बार हमला कर चुके हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। हेमा भाई, रात से किसी ने कुछ खाया नहीं होगा तो। हाँ। सब लोग अच्छे से नहा लो, तब तक मैं सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, और भीवा तेरे लिए दूध लाती हूँ। दीदी आप भी थोड़ा सा खा लेना, दवाई लेनी है ना। चलो भागो, चल आ जा, मेरी मदद कर। बाबा, इस खाट की कीमत कितनी होगी? क्यों, क्या हो? अरे हाँ, तुम्हारे आई ने मुझसे कहा था कि बुआ को इसी खाट पर लेकर घर चलते हैं, तो हम सब ले आए। ये खाट किसकी है? बाबा, आई ने अपने कान की बूंदे देकर इसे खरीदा था। क्या
ताकि बुआ को वैद्य जी के पास ले जा सके। भाभी, दूसरा कोई उपाय नहीं था। बाबा, ये खाट कितने की है? होगी कुछ 12-13 आने की। बाबा, आप मुझे 13 आने दीजिए ना, ताकि आई की कान की बूंदे वापस लेकर आ सको, क्योंकि अब उन्होंने नहीं लौटाया तो मुझे खुद कुछ करना होगा। लेकिन 13 आने लेकर ये करेगा क्या? क्या करेगा तू? हाँ, बोल ना, क्या करेगा? सुना नहीं बाबा ने अभी क्या कहा? ध्यान रखो, सतर्क रहो, हम में से किसी पे भी जानलेवा हमला हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है? आई, सतर्क रहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया फिर भी हम चुप रहे। और आई, बुआ को जिसने भी धक्का दिया होगा उसको भी मैं खोश निकालूंगा। बाबा, आप मुझे 13 आने दीजिए ना। देखो बेटा, गलत को सही करने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा काम मत करना। बाबा, मेरा तरीका कुछ भी वैसा नहीं होगा जिससे आपको एतराज हो। बाबा, बुद्ध के बारे में आपने मुझे समझाया है, इसलिए यकीन मानिए कि हिंसा कहीं नहीं होगी। दे दीजिए ना बाबा। जरूरत है ये सब करने की? विवाह, एक गहने के चले जाने से हमारी दुनिया नहीं बिखर गई, और वो गहना तेरे बुआ के इलाज के लिए खर्च हुआ है ना? तेरे बुआ की जान गहने से बहुत बड़ी है। हाँ, बिल्कुल है। अगर मैं कमा रहा होता तो छोड़ भी देता, लेकिन मैं नहीं कमा रहा हूँ। और आई के लिए, परिवार के लिए अगर अर्जित नहीं कर सकता तो नुकसान होने से बचाना मेरा धर्म है, पुत्र धर्म। और आज आप मुझे पुत्र धर्म से मत रोकिए। बाला, बात को समझने की कोशिश कर, तो अभी बहुत छोटा है। जवान बेटे पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे हित के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अक्सर आपका हित सोचने का तरीका और मेरा तरीका मिलता नहीं है। बाला भैया, बाबा का तरीका चाहे जो हो, लेकिन उनके तरीके का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख कर सूबेदार के पद पर नौकरी करके भी बर्तन साफ करते हैं।